हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो ठीक है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं जो आप लोग भी करते हैं। क्या करते हैं आप लोग घर में? करते हैं पड़ोस में? करते हैं प्रेम? हालेलुया, करते हैं आप लोग प्रेम? हाँ, करते कि नहीं करते ही बताओ। अच्छा, प्रभु ने सबसे बड़ी आज्ञा क्या क्या बताया? आज्ञा क्या है प्रभु का? हाँ, एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे को प्रेम करो, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। हम लोग प्रेम करते हैं, हैं? बोलो ना, हाँ या ना? हाँ, करते हैं, शत्रुओं से प्रेम करते हैं ना? अच्छा, नहीं करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन कौन सा प्रेम करते हैं आप? अच्छा, हम लोग जो प्रेम करते हैं कैसा वाला प्रेम करते हैं? जो आंख से दिखता है, सही है? महसूस होता है, सही है? वैसे ही ना प्रेम करते हैं, वही वाला प्रेम करते हैं ना। तो हमको प्रभु यीशु कौन सा प्रेम करने के लिए बोलता है? कैसा प्रेम? हृदय से। मतलब बोलो 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 बोलो। हृदय से मतलब कैसे होता है? हृदय का प्रेम कैसे होता है? कैसा अनदेखा? कैसे अनदेखा? कैसे अनदेखा प्रेम होता है? अनदेखा बोले तो सब अनदेखा बोलो। हाँ, कैसा? कैसा वाला अनदेखा प्रेम? कैसा वाला प्रेम करते हैं बता तो। हालेलुया। हाँ, जैसे आप शादीशुदा है, ठीक, तो आपको अगर आपकी पत्नी कुछ कारण से आपको डांट दे, ठीक है, तुम काम में नहीं जाते हो, है ना, यहीं पे अपना समय वेस्ट करते हो, कुछ कमाते उमाते नहीं हो, ऐसे करके आपको डांट दी, तो आप उससे प्रेम करोगे अब? हाँ, क्यों गुस्सा आएगा? क्यों गुस्सा आएगा? वैसा गुस्सा होगा, यानी कि देखो, सुबह में अच्छा से आपके साथ में रही और दोपहर में आपको आपसे नाराज हो गई, तो अभी आपका प्रेम कैसा रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताओ। हाँ, अभी पत्नी लड़ेगी तो अभी आप उससे प्रेम करोगे? करोगे सही में? हालेलुया। मेरा कहने का मतलब नहीं समझ रहे? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अभी आपके साथ में वो लड़ेगी तो उसमें आप प्रेम करोगे? प्रेम करोगे? हाँ, नहीं नहीं, आप बोलो ना, करोगे? करते हो? हाँ, आई है क्या? कहाँ पर है? आई है कहाँ? कौन है? हाथ उठाइए, हाथ उठा, हाथ उठा। आई है कि नहीं आई? करती है, करता है? हालेलुया। नहीं लड़ते हैं? नहीं, आप लोग नहीं लड़ते? नहीं लड़ते हो? देखो देखो, सीखने वाला चीज है, आपको ये नहीं कर रहे हैं, हम करते हैं। अरे वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब आपसे वो लड़ती उसमें भी आप प्रेम करते हो? अच्छा, कुछ नहीं बोलते, आपके लिए प्रेम ही करते हैं। अरे
हो गया, चलो गलती हो गया, ऐसा बोल के बोलते हैं। सही में करते हैं तो भी प्यार करते हैं आपको, कुछ नहीं बोलते हैं। सही है, सब कभी लड़ाई नहीं होता आप लोग का। हाँ तो वही चीज को तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, ये एकदम ऐसा है कि एकदम प्रेम एकदम कभी एकदम नहीं नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। लड़ाई होता है ना, लेकिन जब लड़ाई होता है तब उस समय आप प्रेम देते हो उस समय में? नहीं, उस समय क्या होता है आपका? गुस्सा आता है, आता है। तो ये बोलो ना, इतना ये बात बोला हम तो बड़ा ताजुब कर गए कि ऐसा भी हो सकता है। हालेलुया, मतलब जब आपके विरुद्ध होता है तब आप भी जवाब देते हो ना? देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये क्या कौन सा प्रेम है, इसको प्रेम बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं इसको, इसको प्रेम बोलते हैं? हैं बोलते हैं नहीं ना, बोलते हैं कि बोलते हैं इसको भी प्रेम बोलते हैं? नहीं, इसको मनुष्य वाला प्रेम बोलते हैं। मनुष्य वाला प्रेम कैसा होता है कि तुम भी अगर हमसे प्रेम करोगे तो हम भी तुमसे प्रेम करेंगे, और अगर तुम हमसे प्रेम नहीं करोगे, तुम अगर हमसे नफरत करोगे तो हम भी तुमसे नफरत करेंगे, तुमसे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। ऐसा होता है घर में, होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है ना। तो प्रभु हमको ऐसा प्रेम करने के लिए बोलता है? कौन सा प्रेम करने के लिए बोलता है? हृदय वाला। तो हृदय वाला प्रेम कैसा होता है? हाँ, कैसा होता है? वैसा उदाहरण देखे हो, वैसा वाला उदाहरण देखे हो कि नहीं देखे हो, बताओ। हाँ, हाँ, कौन कहाँ देखे हो? नहीं देखा है? अले, सही में नहीं देखे हो? यीशु को क्रूस पे देखे हो? वो प्रेम। हालेलुया, वो कैसे क्रूस पे देखते हो नहीं देखते हो? चर्च में लगा हुआ है, देखते हो? तो वो क्या कर रहा है, क्या करता है वो, क्या कर रहा है वो? प्रेम कर रहा है कि प्रेम ना कर रहा है? वही प्रेम के चलते तो वो क्रूस पे गया हमारे लिए। किसके लिए गया है? कि अपने लिए गया है। इसको बोलते हैं प्रेम। जब हम अपना स्वार्थ को छोड़ते हैं, अपना फायदे का बात को हम छोड़ते हैं और दूसरे के फायदे की सोचते हैं, उसके लिए, उसके अच्छे के लिए हम जब सोचते हैं, तब होता है ईश्वरीय प्रेम। और वो प्रेम कैसे हमको मिलता है? ईश्वर से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। किससे मिलता है? ईश्वर से। तो वो प्रेम आपको ईश्वर ने दिया है, दिया कि नहीं दिया? कहाँ दिया, कैसे दिया बताओ? अच्छा, कैसे दिया ये बताओ। एक दूसरे से प्रेम करो, वो तो आज्ञा दिया है, लेकिन वो प्रेम बोला ना कि एक दूसरे से तुम प्रेम करो, तो क्या वो प्रेम हमको दिया है प्रभु ने? दिया कि नहीं दिया? कहाँ दिया है? वचन में दिया है, दिया है। हाँ, परमेश्वर ने हमको वो प्रेम दिया है, वो प्रेम हम लोगों के हृदय में भर दिया है, डाल दिया है, तभी बोलता है कि एक दूसरे से तुम प्रेम करो। अगर हमारे पास में प्रेम ही नहीं रहेगा, मेरे में अगर प्रेम ही नहीं रहेगा, तो हम प्रेम किसी को दे सकते हैं? नहीं, है? नहीं। दे सकते हैं क्या? मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा, अब मेरी वाइफ बोलेगी हमको पैसा दो, तो हम कहां से देंगे पैसा? दे सकते हैं क्या? ठीक वैसे ही प्रभु ने हमको अपना प्रेम से हमको भर दिया है, डाल दिया है। कहां? हमारे हृदय में डाल दिया है। हृदय किधर है? अंदर। हालेलुया, आया ये प्रेम? आया कि नहीं आया समझ में? तो ये प्रेम प्रभु ने हमको दे दिया है, और इसीलिए प्रभु बोलता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। कौन सा प्रेम? जो प्रभु ने हमारे अंदर में डाला है, वो प्रेम करने के लिए बोल रहा है। ये प्रेम के लिए नहीं कि जो आप देखते हो, महसूस करते हो, उस प्रेम के लिए नहीं। अगर आप वैसा प्रेम कर रहे हो तो मतलब आप प्रेम
कर ही नहीं रहे हो, तुम उसमें अपना स्वार्थ देख रहे हो। घर में अपने परिवार में लड़ाई होती है? किसी का ऐसा परिवार है जहां लड़ाई नहीं होता है? हर किसी का परिवार में होता है, होता है ना? तो क्यों लड़ाई होता है ये? हाँ, क्यों होता है ये लड़ाई? कभी मम्मी पापा लड़ते हैं, लड़ते कि लड़ते हैं? कभी भाई बहन लड़ते हैं, लड़ते कि लड़ते हैं? तो क्यों लड़ते हैं? प्रेम नहीं है इसलिए, क्योंकि हम प्रेम नहीं जानते हैं कि हमको कौन सा प्रेम देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमको प्रेम दिया है, दिया है। निकालो रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5। हालेलुया। कोई भी स्क्रिप्चर को निकला, वचन को निकालो। और मिला वचन निकाले? पांच का पांच पढ़ो आप लोग, निकाल लेना। दोहराव करना है ना, देखो। हालेलुया। पांच का पांच पढ़िए। हाँ, आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा भी ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया। दिया मतलब प्रेम दिया कि नहीं दिया? दिया है ना। एक बार फिर से पढ़िए, पढ़िए पढ़िए एक बार और, ऊपर ध्यान से सुनना। आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया। तो प्रेम दिया है परमेश्वर ने, दिया है। आप लोगों को पता है, पता है कि नहीं पता? अच्छा, आप लोगों को पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं मिला? कब मिला, कब मिला, कब मिला, कब मिला? बोलो बोलो बोलो, कब मिला, कब मिला? अरे पवित्र आत्मा कौन है? हाँ, कौन बोला? हाँ, बपतिस्मा जब आप लिए थे उसमें पवित्र आत्मा आपको मिला? मिला है ना। और उसी के द्वारा ही हमको ईश्वर का प्रेम मिला। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है कि बाहर है? अंदर। ये तो पता है ना? यस। तो आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर है। और वो ईश्वर कौन है? अच्छा, ईश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? कौन है परमेश्वर? पिता ईश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो परमेश्वर है कौन? क्या बोलोगे परमेश्वर को? हाँ, चलो निकला। पहला जोन 4:8, संत योहन का पहला पत्र, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। अरे कुछ नहीं बोलोगे आप लोग, दोहराव नहीं करोगे? बोलिए फिर से। जो प्यार करता
जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर कौन है? हैं कौन है? प्रेम है। इसीलिए तो प्रभु यीशु बोलता है एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन कौन सा प्रेम? आंख से देख करके, कान से सुन करके, महसूस करके? कौन सा प्रेम? तुम बोला आई लव यू तो हम आई लव यू। अरे आई लव यू बोलते हैं, सुने कभी आई लव यू? है बोले हो कभी किसी को? बोले हो कि नहीं बोले हो? नहीं बोले हो। अच्छा सुने को नहीं सुने आई लव यू? सुने हो ना। तो क्या होता है आई लव यू को? मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यही ना है? तो आप लोग बोले हो कभी? नहीं बोले हो? हालेलुया। तो ये कौन सा प्रेम के बारे में बोल रहा है परमेश्वर हमको? कौन सा प्रेम के बारे में बोल रहा है? मनुष्य वाला नहीं, ईश्वरीय प्रेम। ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है? अभी हम लोग पढ़े ना, वो प्रेम हमें डाल दिया गया, हमारे अंदर है वो प्रेम, लेकिन हम उस प्रेम, वैसा प्रेम हम लोग नहीं कर रहे हैं। कौन सा प्रेम कर रहे हैं? मनुष्य वाला प्रेम क्या है? जो आंख से दिखता है, हम जिसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन प्रभु हमको क्या बताता है? ईश्वरीय प्रेम के बारे में, ठीक है? तो वो प्रेम क्या है? ईश्वरीय प्रेम कैसा है बताओ, कैसा होता है? हैं कि नहीं बताऊं? ईश्वरीय प्रेम होता है, तुम हमको प्रेम करो या ना करो, लेकिन हम तुमसे प्रेम करते रहेंगे। हालेलुया। अरे यीशु क्रूस पे है, आप उसके विरुद्ध में काम करते हो। यीशु बोलता है कि जा हम तुमसे प्रेम नहीं करेंगे? नहीं, वो तब भी तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो वही प्रेम के बारे में बता रहे हैं। कौन सा प्रेम? कि अगर तुमसे कोई नफरत कर रहा है, तुम्हारे ऊपर में गुस्सा कर रहा है, फिर भी लेकिन तुम उससे प्रेम कर रहे हो, उसको बोल रहे हैं, उसी प्रेम के बारे में बता रहे हैं। अगर आपके साथ में, अगर आपका आप सामने वाला आपके साथ में, अगर आपके साथ में बुरा कर रहा है, आपसे नफरत कर रहा है, आपको गुस्सा कर रहा है, ठीक है, और आप उसको प्रेम नहीं दे रहे हो, तो क्या आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर रहे हो? परमेश्वर का आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो। यही ना बोला? क्या उसने कुछ कंडीशन लिख दी है? कोई ऐसा परिस्थिति लिख दिया कि नहीं, इस स्थिति में तुम उससे प्रेम मत करना, जब वो तुमसे लड़ेगी या लड़ेगा तो तुम उससे प्रेम मत करना? बोला है क्या? नहीं। वो तो बोला है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो, उसको भी तुमको क्या करना है? प्रेम करना है। तो ये प्रेम आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? अगर आप कर सकते थे तो आप अभी करते कि नहीं करते? हालेलुया। लेकिन आप ऐसा प्रेम कर सकते हो नहीं कर सकते? हाँ या ना बोलो। हाँ, लेकिन कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो वैसा प्रेम बताओ। हालेलुया। कैसे कर सकते हो? जब आप, हालेलुया, जब आप ईश्वरीय प्रेम से भरोगे, है ना, तभी तो आप सामने वाले को वैसा प्रेम कर सकते हो। सही है कि नहीं? तो उस प्रेम से भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ईश्वर का वचन को सुनना पड़ेगा। सही है? तो आप लोग सुनते हो? आप लोग वचन सुनते हो? हैं?
नहीं सुनते हैं ना, तो जब आप सुनोगे नहीं तो भरोगे कैसे? टीवी यूट्यूब में गाना, फिल्मी गाना सब सुनते हो? हाँ सुनते हैं। तो आप कौन से प्रेम से भर रहे हो? कौन सा प्रेम से भर रहे हो? वो भी प्रेम है लेकिन कौन सा प्रेम से भर रहे हो बताओ? दोनों प्रेम है, संसार भी प्रेम देता है, लेकिन हमको कौन सा प्रेम में भरना है? ईश्वरीय प्रेम में। तो ईश्वरीय प्रेम में भरने के लिए हमको क्या करना है? परमेश्वर का वचन को सुनना है, उसको सुनना है, उसको अभ्यास करना है, तब तो आप उसके प्रेम से भरोगे। हालेलुया, ठीक है? तो समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक आया कि नहीं आया? क्या था सिस्टर वचन पढ़ी? 1 John 4:8 हालेलुया। तुम देखिए, आप लोग ना थोड़ा ध्यान से सुनिए, है ना? मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग वचन को जब ध्यान से सुनते हैं, है ना, और उसका जवाब देते हैं, आप हमको नहीं भी जवाब दोगे, आप खुद से भी, ऐसा नहीं है कि आप लोग का मन बात नहीं कर रहा है। अभी हम जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, परमेश्वर का शब्द बता रहे हैं, तो आप लोग का अंदर भी चल रहा है बात। ये बात अलग है कि वो हमसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन आप खुद से भी जब आप बात कर रहे हो तो उस चीज को आप जब समझ रहे हो और अपने में बदलाव लाते हो, तो आपका चंगाई यहीं पे है। आपके अंदर जो भी कमजोरी है, बीमारी है, उस सब का नाश हो जाएगा जब आप वचन को ध्यान से सुनते। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वचन को सुनो, ध्यान दो, ध्यान दो। मैं क्या चीज को बता रहा हूँ? हालेलुया, पढ़िए। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। बस हालेलुया। जो प्यार करता है, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। अब आप बताओ, आप लोग प्यार करते हो अपने भाई बहन से? करते हैं कि झगड़ते हैं? हाँ, झगड़ते हैं कि प्रेम करते हैं? अरे बोलो तो हाँ या ना तो बोलो। अपना दोस्त लोग से प्रेम करते हैं जब वो तुमसे नफरत करता उस समय? हैं? उसमें भी करते हैं? और उस समय नहीं करते हैं ना, लेकिन प्रभु क्या बोलता है कि तुम प्रेम करो बोलता है। देखो देखो, वचन बोलता है जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। तो आप लोग किसके संतान हो? प्यार करते हो? हैं? प्यार करते हो? अरे भाई, आप बोल रहे हो कि हम ईश्वर की संतान है, तो आप प्रेम करते हो? ईश्वर वाला प्रेम करते हो? फिर कैसे बोलते हो कि हम ईश्वर की संतान है? हालेलुया, आ रहा है समझ में? क्योंकि जो प्यार करता है वही ईश्वर की संतान है, है ना? और प्यार कौन सा प्यार? ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय प्रेम। ईश्वरीय प्रेम क्या बोलता है? तुम हमसे प्रेम करो या ना करो, हम तुमसे प्रेम करते रहेंगे, एकदम एक तरफा। एक तरफा प्रेम सुने हो कभी? सामने वाला उसको पसंद नहीं कर रहा है और दूसरा है कि बोले जा रहा है, तो उसको प्रेम बोलते हैं नहीं? लेकिन एक तरफा प्रेम क्या है? तुम हमसे नफरत कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, लेकिन भी हम तुमसे प्रेम कर रहे हैं। तुम्हारा दोस्त तुमको परेशान कर रहा है, तुमसे फायदा उठा रहा है ना, लेकिन भी तुम जान करके उससे प्रेम कर रहे हो। इसको बोलते हैं ईश्वरीय प्रेम। और अगर आप ऐसा प्रेम करते हो तो आप ईश्वर के संतान हो। अब बताओ, आप लोग ईश्वर के संतान हो? है? अब तो सीखे ना, अब तो जाने ना, जाने कि नहीं जाने? अब आप प्रेम दोगे कि प्रेम लोगे बताओ? अब प्रेम देने के लिए पहले हमको खुद प्रेम से भरना है। आज हम लोग प्रेम से भरे कि नहीं भरे? भरे।
अब प्रेम दोगे कि नहीं दोगे बाहर जाके? अपना घर में पहले प्रेम दो, पहले अपना घर में प्रैक्टिस करो क्या प्रेम देने का कि लेने का? विश्वासी क्या करता, देता है कि लेता है? हम लोग देते हैं कि लेते हैं? लेते हैं। झूठ क्या बोलती है? हालेलुया। देते हैं कि लेते हैं? फिर बोलता देते हैं। देते हैं कि लेते हैं? देते हैं कि लेते हैं? तो अब हमको क्या करना है? देना है। जब हम देते हैं तो कैसे हमको प्रभु देता है? दबा दबा कर, फिर हिला हिला कर, फिर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी माप तुम्हारे गोद में डाल दी जाती। तुम प्रेम दोगे तो जितना तुम प्रेम दोगे उससे ज्यादा आपको प्रेम वापस मिलता है। प्रभु देगा तुमको प्रेम। तुमको मनुष्य वाला प्रेम चाहिए कि ईश्वर वाला प्रेम चाहिए, बताओ? तो ईश्वर का आज्ञा का तुम पालन करोगे तब तो ईश्वर तुमको प्रेम देगा। अब हम बोलेंगे कि मेरी पत्नी हमसे लड़ रही है, उदाहरण, ये हमसे लड़ रही है, ठीक है, लेकिन हम इसको प्रेम दे रहे हैं। हम इसको क्या दे रहे हैं? प्रेम ही दे रहे हैं। तो अब हमको उसका इनाम कौन देगा? ये देगी कि परमेश्वर देगा हमको? हमको इनाम कौन देगा? परमेश्वर देगा। ऊन बोला है, हम तो उसका ना क्या पालन करेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? तो जब आपसे कोई लड़ रहा है, कोई आपको नफरत कर रहा है, आप उसको प्रेम दे रहे हो, तो वो आपको प्रेम नहीं देगा, वो आपको नफरत देगा। लेकिन आपको प्रेम कौन देगा? हालेलुया। आया कि नहीं आया समझ में? तो आज के बाद घर में क्या करोगे? प्रेम लेंगे, देंगे। कैसे देंगे प्रेम? जितना प्रेम दोगे उससे भी ज्यादा दबा दबा के प्रेम मिलेगा वापस। हाँ, अगर नफरत दोगे तो वो भी वैसे ही मिलता है, दबा दबा के, फिर क्या, हिला हिला के, फिर और ऊपर उठी हुई पूरा का पूरा नफरत तुमको मिलेगा। आपको नफरत चाहिए कि प्रेम? तो प्रेम को बोलना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज के बाद क्या बोगे, प्रेम की नफरत? गुस्सा गुस्सा बोगे कि प्रेम बोगे? ईर्ष्या बोगे कि प्रेम बोगे? सही, सचमुच? हालेलुया। हालेलुया। आया कि नहीं आया समझ में? आया। तो हम लोगों को प्रेम देना है। क्या बोलता है? जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। अब आप हो गए ईश्वर के संतान, अब हुए ना। अब जब ईश्वर के आगे बोलता है, वचन बोलता है, आप जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। आप लोग जानते हो ईश्वर को? जानते हो? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? तो बस तुमको प्रेम करना है। कैसा प्रेम? ईश्वर वाला प्रेम। और ईश्वर वाला प्रेम कैसा होता है? एक तरफा होता है। कैसा? तुम हमसे करो या ना करो, हम तो तुमसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। तब आप ईश्वर को जानते हो। क्या बोलता है? तब आप ईश्वर को जानते हो। ईश्वर को जानना है तुम लोगों को? जानना है कि नहीं जानना है? जानना है। तो ईश्वर को अगर जानना है तो तुमको प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। तब आप ईश्वर को जानोगे। फिर आगे क्या बोलता है? जो प्यार नहीं करता, अब सुनो, नहीं करने वाला लोग, जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है। वो कितनों बाइबल पढ़ ले, कितनों प्रार्थना कर ले, वो ईश्वर को नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि वो प्यार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर प्रेम है। लिखा है ना नीचे में, उसी में देखो, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है, ईश्वर को जानता है, और जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर क्यों नहीं आवाज निकल रहा आप लोग? क्योंकि ईश्वर प्रेम है।
क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब प्रेम समझ में आया कि नहीं आया? आया। प्रेम क्या है? ईश्वर। और ईश्वर कौन है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अब तो समझ में, आप प्रेम करो कि नहीं करोगे? करेंगे। कहाँ करोगे? पहले घर में। घर में करोगे? पक्का ना? आज जाओ, तुम लोग का टेस्ट शुरू होगा। हाँ, फिर उस समय में ये चीज को याद रखना है कि आज हम लोग प्रेम के बारे में क्या सीखे हैं। प्रेम के बारे में क्या सीखे हैं? कि हमको प्रेम देना है, प्रेम देना है, ठीक है। और अगर प्रेम लेने का सोचे तो फिर तो गड़बड़ हो गया। हालेलुया हालेलुया। यीशु हम लोग से प्रेम किया कि नहीं किया? कैसा प्रेम किया? कैसा प्रेम किया? हालेलुया। हमारे लिए वो खुद को बलिदान कर दिया। किया कि नहीं किया? किया। तो हम लोग को किसको बलिदान करना चाहिए? यीशु को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यीशु, यीशु कैसा प्रेम किया? अच्छा, अपना चेलों से प्रेम किया कि नहीं किया? किया। कैसा प्रेम किया? अच्छा एक बात बताओ, यीशु जानता था कि ये 30 के 30, 12 के 12 चेले हमको छोड़ देंगे? यीशु जानता था कि नहीं जानता था? जानता था ना कि उसको 12 शिष्य छोड़ देंगे। यीशु ये भी जानता था ना कि यूदास हमको पकड़वाएगा, 30 सिक्के में बेच देगा। जानता था कि नहीं जानता था? जान रहा था। फिर भी यीशु लोग से प्रेम किया कि नहीं किया? किया। अगर अभी हम बोलेंगे, मान लो कि आपका दोस्त आपका बारे में गलत सलत बोल दिया, तुम लोग दोनों दोस्त हैं, ठीक है, का नाम है, हाँ इधर दोनों से, दोनों इधर खड़ा हो, सामने में यहाँ खड़ा हो, यहाँ पे निशु, निशु आइए, इसको अंकिता, अंकिता उधर मुँह कर खड़ा हो, ठीक है, और निशु है आगे वाले ना, और निशु जो है अंकिता के बारे में बोल दी। क्या बोल दी? ये अंकिता ना बहुत ये ऐसी लड़की है, गंदी लड़की है, इसके साथ में मत रहना, है ना, उसके बारे में बोल दिए तुम, ठीक है, बहुत ये क्या बोलते हैं झगड़े ही लड़की है, है ना, खाली झगड़ते रहती है, ठीक है। अब अंकिता को पता चल गया क्या कि निशु मेरा बारे में ऐसा बोल रही है, ठीक है। तो अब अंकिता निशु, निशु के लिए कैसा सोचेगी? क्या बोलेगी अंकिता? क्या बोलेगी अंकिता? तो निशु के लिए बोल, तो क्या बोलेगी? निशु ही वैसे ही है, ऐसे ना बोलेगी कि क्या बोलेगी? अच्छा बोलेगी। हालेलुया। तो अगर ये जब ऐसा करेगी तो ये ईश्वरीय प्रेम है? नहीं। अगर ये ईश्वरीय प्रेम रहता तो ये क्या बोलती? क्या बोलती? अच्छा बोलती ना निशु के लिए। अरे ठीक है ना, निशु ऐसा ना बोलती, चलो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा बोलती। बोलती यस, क्योंकि वो बोलती क्या, वो तो निशु जो है बहुत अच्छी लड़की है, वो यीशु का प्रेम से भर गई है, ऐसा बोलती है ना, ऐसा बोलती। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईश्वरीय प्रेम। और यही जगह पे मान लो ये भी अंकिता, मान लो निशु, है ना, निशु बोलती शुरू सामने में तो अच्छा प्रेम दिखाती, ठीक है, और पीठ पीछे जाके उसका भला बुरा बोलती, तो इसको प्रेम बोलते हैं? नहीं। हालेलुया। ऐसा हम लोग करते ही नहीं करते हैं गाँव घर में, शहर में भी होता है, हर जगह होता है, यहाँ भी होता है, होता है कि नहीं होता है? एकदम सामने में तो एकदम, हालेलुया। देखो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू, छोड़ दे रहा दी, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बैठ गया, आया समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो प्रेम करना है कैसा वाला प्रेम, आप समझ में आया कि नहीं आया?
तभी तुम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आया ये प्रेम, कैसा प्रेम है, प्रेम के बारे में समझ में आया? तो आज से हम लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे। कौन सा प्रेम? ईश्वरीय प्रेम, है ना? प्रेम देंगे, ठीक है? अभी समझ में आया कि ईश्वर प्रेम है, है ना? और ईश्वर प्रेम है और वही प्रेम ने आदम और हेवा को बनाया, बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। तो ईश्वर प्रेम है, तो प्रेम किसको बनाया, किसको बनाया? अरे प्रेम ने किसको बनाया, किसको बनाया? आदम और हेवा को बनाया ना। तो आदम और हेवा कौन है? मनुष्य। प्रेम क्या है? देखो, ईश्वर प्रेम है, ठीक है? और उसी प्रेम ने आदम और हेवा को बनाया। तो आदम और हेवा क्या हुए? प्रेम हुए। अरे प्रेम प्रेमी को ना बनाएगा कि प्रेम नफरत बनाएगा? समझ में आया कि नहीं? ईश्वर प्रेम है और प्रेम ने आदम और हेवा को बनाया, मतलब ईश्वर ने प्रेमे बनाया। आदम और हेवा कौन है? प्रेम है। हम लोग कौन है? हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, मतलब उसका प्रेम हमारे अंदर है, मतलब हम लोग प्रेम हैं, हैं? तो हम लोग को प्रेम देना चाहिए ना। तो नफरत कहां से आ गया, गुस्सा कहां से आ गया, क्रोध कहां से आ गया, ईर्ष्या कहां से आया, कहां से आया? क्या ईश्वर ने दिया? नहीं। कहां से गुस्सा, कहां से गुस्सा, कैसे आया ये नफरत, गुस्सा, प्रेम, ईर्ष्या कहां से आया बताओ? हैं? शैतान से है। तुम लोग आले लिए कहां से आया? हम लोग आने दिए कि अपने से घुस गया? हम लोग ने दरवाजा खोले। जब पिता परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया, क्या आज्ञा दिया, क्या बोला था? सब पेड़ का फल खाना और इस पेड़ का फल मत खाना। तो उन लोगों ने क्या किया? तो आज्ञा का क्या किया? तो आज्ञा का उल्लंघन हुआ, तो क्या हुआ, क्या हुआ? अरे आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो क्या हुआ है? अरे वो तो ठीक है, आज्ञा का जब उल्लंघन हुआ तो क्या हुआ? वो लोग क्या किए? आप लोग आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो क्या करते हो? दंड तो मिलता है, हम बोल रहे हैं, यानी आप जब आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो क्या होता है? पाप होता है। आप लोग आज्ञा का उल्लंघन करते हो है? करते कि नहीं करते? तो ये आज्ञा का उल्लंघन कैसे आप करते हो? नहीं जानने के कारण, सही, या जानबूझकर करते हैं? जान के भी करते हैं। परमेश्वर, आप लोगों ने आज्ञा सुना है ना, एक दूसरे से तुम प्रेम करो, तो आप लोग क्या करते हो? नहीं करते हैं। आप जानते हो फिर भी आप नहीं करते हो, इसी को बोलते हैं आज्ञा का उल्लंघन करना। और जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो अब हम किसके अधीन हो गए हैं? किसके अधीन हो गए? सुनो सुनो सर, हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने आदन का बगीचा बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। सब कुछ बढ़िया से बनाया, सब कुछ अच्छा से बनाया कि नहीं? फिर उसका किसको बनाया उसने? आदम और हेवा को बनाया। आदम और हेवा वहां पे
एकदम खुशी से रहते थे कि नहीं थे, एकदम आनंद में जीवन चल रहा था कि नहीं चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि नहीं चल रहा था, कोई कमी था, कोई अभाव था, बीमारी था वहां पे, प्रॉब्लम्स दुख तकलीफ था वहां पे, वो लोग तो बहुत मजे में थे कि नहीं थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक जैसे उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर क्या हुआ, क्या हुआ आज्ञा का उल्लंघन हुआ, तो आज्ञा का उल्लंघन किया तो लोग अदन के बगीचे में रहे, बाहर निकाल दिए, फिर क्या हुआ, बाहर निकाल दिए, दुख तकलीफ आया, बीमारी आया, रोग आया, चिंता आया, डर आया, आया कि नहीं आया, समस्या आया, मृत्यु आया। हाँ, जब हम पाप करते हैं, जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ये सब चीजें अपने आप श्राप अपराध सब चीज क्या हो गया, हमारे ऊपर में आ गया। सही है ना। लेकिन जब तक वे परमेश्वर के आज्ञा के अधीन थे, जो परमेश्वर ने उनको बोला था वैसे ही जब वो लोग कर रहे थे, क्या उनके विरुद्ध में कोई अपराध हुआ, उनका जीवन कैसा था, उस समय खुशमय था, आनंदमय था। जैसे उन्होंने पाप किया, उनको कहां निकाल दिया, अदन बगीचे से बाहर निकल गए। अब अदन के बगीचे से बाहर निकल गए मतलब परमेश्वर के छत्र छाया से क्या हो गए, वो लोग बाहर हो गए। अब अदन बगीचे में है वो लोग नहीं है। अदन बगीचे में सब कुछ था, सुख शांति था, अब जैसे बाहर निकले अब क्या है, बीमारी है, समस्या है, रोग है, तकलीफ है। सही है कि नहीं है। तो वैसे ही है, जब हम परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसके बातों को नहीं सुनते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, अब क्या होगा, ऐसा ही होता है। अभी गाड़ी इधर से आ रहा तो सब उधर देख रहे हो ना, देखे कि नहीं देखे, यही होता है। इधर परमेश्वर का शब्द मैं बता रहा हूं, आपका ध्यान किधर गया, हमेशा शैतान आपको ऐसे ही ध्यान भटकाएगा। आपको अभी एक चीज सीखे कि देखो ईश्वर प्रेम है और हमको प्रेम करना चाहिए, बताए ना। लेकिन आप घर जाओगे तो आपको शैतान आपको ऐसे ही बताएगा कि तुमको प्रेम करने से कोई फायदा मिला, कुछ हुआ, ऐसे ही तुमको शैतान बताएगा और फिर तुम भटक जाओगे। जैसे अभी तुमने अपना नजर उधर घुमाया, जब आप परमेश्वर के छत्र छाया से हटते हो, आप उसके आशीर्वाद आशीष से दूर हटते हो। क्या परमेश्वर ने आपको गरीबी दिया है, बीमारी दिया है, रोग दिया है, तकलीफ दिया है, तो ये क्यों है, क्योंकि आप परमेश्वर के छत्र छाया से दूर हो। शैतान आपको ऐसे ही दिखाएगा, ऐसे ही आपको मन को भटकाएगा और आप जैसे भटकोगे आप उसके आशीष से, परमेश्वर के ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से दूर हो जाओगे। इसलिए ध्यान देके सुनो, समझो, नहीं समझ में आ रहा पूछो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे ही उसने, इन दोनों ने आज्ञा का उल्लंघन किया, अदन बगीचे से बाहर निकाल दिए गए। सही है ना। लेकिन जब तक वे अदन के बगीचे में थे सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, ऐसे चल रहा था ना अच्छा। ठीक वैसे ही जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हो, परमेश्वर का आज्ञा क्या है, एक दूसरे से प्रेम करो, यही ना है। परमेश्वर का आज्ञा क्या है, एक दूसरे से प्रेम करो। अगर आप प्रेम नहीं करते हो, अगर आप नफरत करते हो, आप गुस्सा करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, आप किसके अधीन में रह गए, आप अदन के बगीचे में हो कि अदन बगीचे के बाहर हो, हालेलुया, तब क्या हो गया, आप बाहर हो के अंदर हो, है अदन बगीचे के, अब अदन बगीचे के बाहर रहोगे तो क्या क्या है समस्या, दुख तकलीफ बीमारी गरीबी मृत्यु, ये सब कुछ है।
लेकिन जब आप अदन बगीचे के अंदर रहते हो, मतलब आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपको नुकसान हो रहा है, फिर भी आप प्रेम कर रहे हो, और परमेश्वर वही चाहता है, आपसे वही इच्छा करता है कि तुम मेरा आज्ञाओं का पालन करो। तो कैसे उसका आज्ञा का पालन करना है? जब हम अच्छी स्थिति में रहेंगे तभी हम उसका आज्ञा का पालन करेंगे, कि जब हम बुरी स्थिति में रहेंगे तभी भी हम उसका आज्ञा का पालन करेंगे? बताओ कब करेंगे उसकी आज्ञाओं का पालन? अच्छी स्थिति में और बुरी स्थिति में? दोनों परिस्थिति में, चाहे जो भी स्थिति हो, प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए मैं इससे भी प्रेम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, यीशु ने अपने पिता का हर एक आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? कि ऐसा तो नहीं ना कि जब क्रूस का समय आया तो बोला नहीं मैं नहीं चढ़ूंगा, ऐसा कुछ किया क्या? नहीं। उसने एक एक अक्षरों का पालन किया, उन्होंने दुख तकलीफ उठा करके आज्ञा का पालन किया। तुम लोग कैसा आज्ञा पालन करना चाहोगे? जब हम अच्छा रहेंगे, अच्छा परिस्थिति में रहेंगे तब हम आज्ञा का पालन करेंगे, और बाकी समय में प्रणाम टाटा, ऐसा करोगे क्या? नहीं, नहीं। अगर आप वैसा करोगे तो आप तो उसके आज्ञाओं का पालन ही नहीं कर रहे हो। आपको परमेश्वर से प्रतिफल कैसे मिलेगा? जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे। आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे जैसा भी हो। प्रभु यीशु मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए मैं भी इससे प्रेम करूंगा, तब जाकर के प्रभु आपके हर एक, आपका जो प्रोमिसेस है आपके लिए, वो हर एक प्रोमिसेस आपके लिए, प्रतिज्ञाएं जो है वो पूरा होता है। आसान है, है? आसान है कि नहीं? आसान है कि नहीं? पीछे तरफ सुनाई नहीं दे रहा है, आसान है कि है? कर सकते हैं प्रेम? क्या आसान है, प्रेम करना कि प्रेम नहीं करना? आसान है? हालेलुया, सही में आसान है? हाँ, तो पक्का तुम लोग को क्या बोलते हैं टेस्ट शुरू होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये बात को समझे कि नहीं समझे? अदन के बगीचे में कब रहता है? जब हम उसके साथ, परमेश्वर के साथ में जुड़े रहते हैं, सही है ना? और परमेश्वर के साथ में जुड़े कब रहते हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और जब हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तब। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अभी जैसे मान लो, अभी आप लोग महिलाएं लोग यहाँ पे हैं, है ना, आप लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन को सुन रहे हो, है ना? आप लोग अभी विनती उपवास में आए हुए, है ना, वचन को सुन रहे हो, परमेश्वर का शब्द को ग्रहण कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, ठीक है? और आपके पति लोग नहीं आए हैं, ठीक है, सही है? नहीं आए हैं, ठीक है। अब आप लोग अभी कहाँ हो? अदन के बगीचे में हो कि अदन, अदन के बगीचे के बाहर हो? अदन के बगीचे में हो। अभी आप घर जाओगे, ठीक है, और उधर से आपका पति आएगा, वो अदन के बगीचे में कि अदन के बगीचे के बाहर है? बाहर है, वो हिलते डुलते आएगा, ऐसे ही सर नशा में रहेगा, है ना? और आप अभी अदन के बगीचे में हो, अगर आप अभी उसको देखोगे तो आपको क्या आएगा? हैं? गुस्सा आएगा। अब अगर आपको गुस्सा आएगा फिर आपको कैसा आएगा? नफरत होगा, सही है? लड़ने का मन करेगा, सही है? तो अब आप अदन के बगीचे में हो, अदन के बगीचे के बाहर हो गए, अब आप भी अदन बगीचे बाहर और वो भी अदन बगीचे के बाहर। आपने इतना प्रार्थना किया, इतना वचन को सुना, इतना जो कुछ भी सीखा, वो कहाँ गया? सब क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि अब आप भी कहाँ निकल गए? अदन बगीचे के
बाहर। अब तुम लोग दोनों हो गए बाहर। अब तुम परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो कनेक्शन जुड़ेगा? नहीं। आनंद के बगीचे में तो परमेश्वर के साथ कनेक्शन है, है कि नहीं? अब जैसे ही आप बाहर हो गए आप कनेक्शन जुड़ेगा? अब तुम कितना प्रार्थना करोगे होगा, क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? अशांति होगा, होगा कि नहीं होगा? सही बता रहा हूं, ऐसा घर में होता है कि नहीं होता है? हाँ। लेकिन अभी आपने सीखा है कि हमको प्रेम ही देना है। हालेलुया। तो आप कैसे प्रेम दोगे उसको? कैसे दोगे प्रेम उसको? बता बता बता, कैसे दोगे प्रेम? उसके लिए ईश्वरीय शब्द बोल करके, है ना, उसके लिए वचन का घोषणा करके, और उसको क्या देना है आपको? प्रेम ही देना है। मान लो अभी वो, अभी आप यहां से गए हैं और वो हिलते डुलते आ रहा है। आप तो वचन को सुने हो, वचन को भी सीखे हो, ठीक है। अब वो हिलते डुलते आ रहा है और आप देख लिए और आपको गुस्सा नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने जान लिया है कि हमको प्रेम देना है। अब आप उसको प्रेम दे रहे हो। कैसे प्रेम दे रहे हैं? आप उसको देख रहे हो हिलते डुलते आ रहे। कल मैंने सिखाया था ना, क्या सिखाया थे? प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी के आया है, पवित्र आत्मा से भर गया है, प्रेम से भर गया है, और सब जगह जाकर के प्रभु यीशु का सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। आप जब ऐसा बोलते हो तो आपने क्या किया उसके लिए? अच्छा बीज बोया कि बुरा बीज बोया? अच्छा बीज बोया, मतलब आपने प्रेम का बीज बो दिया, ठीक है। अब जब बीज बो गया है आपको उसको प्रेम, अब आप तो बोल दिए, अब वो बोलेगा गुस्सा करके खाना ले आओ, तुम बोलोगे, उसमें भी तुम बोलोगे हाँ अच्छा से ले जा करके उसको खाना दोगे। आप क्या किए हो? प्रेम के अनुसार आपने काम भी किया। सही है, सही है कि नहीं? अभी आप अदन के बगीचे में हो कि बाहर हो? अंदर हो। अभी आपने जो कुछ भी शब्द बोला है और वो जो नशे का दुष्ट आत्मा है ना, उस पर वो आक्रमण करना शुरू कर दिया है। आपको दिखाई देता है? नहीं। लेकिन आपने जो कुछ भी बोला है वो कार्य शुरू हो गया है, वो कार्य चल रहा है, वहां लड़ाई हो रहा है ना, क्योंकि ईश्वर का शब्द में वो सामर्थ, वो शक्ति है कि वो शैतान वहां पर टिकेगा नहीं, और वो दुष्ट आत्मा, नशे का दुष्ट आत्मा को उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर का शब्द बोला। जैसे ही आप अपने मुंह से शब्द बोलते हो, ईश्वर का शब्द, वहां पर स्वर्गदूत लोग काम करना शुरू कर देता है, और वही जगह पे आप ईश्वर का शब्द नहीं बोल करके गलत बात बोलते हो, ये मतवाद कभी नहीं सुधरेगा, ये कभी नहीं ये होगा, तो अब यहां पे कौन काम करेगा? नरक दूत लोग। जैसे शैतान लोग, जैसे स्वर्गदूत होता है ना, वैसे नरकदूत भी होता है। दोनों जन इंतजार में रहता है कि तुम्हारे मुंह से क्या शब्द निकलेगा। अगर ईश्वर का शब्द बोलोगे तो वहां पे स्वर्गदूत काम करना शुरू कर, दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन काम शुरू हो गया है, वो चल रहा है काम, समझ रहे हैं ना? तो अगर आप जब उसको प्रेम देते हो, मतलब आप अदन के बगीचे में हो, ठीक है, अभी आप प्रार्थना करोगे अपना पति के लिए, उसके लिए वचन को आप बोल रहे हो, अब काम करेगा? यस, अब काम करेगा। अब उसके अंदर जो नशे का दुष्ट आत्मा है उसको वहां से छोड़ के भागना पड़ेगा। जब आप अदन के बगीचे में हो तभी तो उसको भी आप अंदर ला सकते हो, लेकिन अगर आप खुद बाहर निकल जाओगे तो आप उसको अंदर ला सकते हो? जब आप खुद ही बाहर हो तो आप प्रार्थना कुछ भी करोगे परमेश्वर के साथ में कनेक्शन जुड़ेगा? आप लोग ऐसे ही करते थे पहले? ऐसे ही करते थे ना पहले? नहीं करते थे ऐसा? लड़ते थे ना, नफरत करते थे ना, गुस्सा करते थे ना, क्रोध करते थे ना, तो ये सब क्या चीज है? दुष्ट आत्मा सब, ईर्ष्या, जलन, नफरत, क्रोध, गुस्सा, ये क्या है? दुष्ट आत्मा सब है। हालेलुया। आए कि नहीं आए समझ में? तो हमको क्या देना है? प्रेम देना है। तो प्रेम देने के लिए पहले हमको प्रेम से भरना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आया समझ में कि नहीं आया? आया।
अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोरिंग तो नहीं ना लग रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक बात बता, ये मोबाइल को अगर हम ऐसे ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? ऊपर ही चल जाएगा ना? नहीं, कहाँ आएगा? नीचे गिरता है। ऐसा फेंकेंगे तो नीचे आएगा? अच्छा नीचे गिरता है। अच्छा यहाँ पे ऐसा होता होगा ना, अगर हम वहां जाएंगे तो उधर आगे चौक में जाके करेंगे तो वहां पे वहां भी नीचे ही आ जाएगा। अच्छा हम कटघोरा जाएंगे फिर वहां पर फेंकेंगे ऐसे ऊपर तो नीचे ही आता है वहां भी। क्यों नीचे आता है? हम लोग तो वहां फेंकते तो ऊपर जाता है ना। क्यों 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 नीचे आता है? हाँ जानते हो क्यों आता है? तुम लोग स्कूल जाते हो ना? तुम लोग स्कूल जाते हो ना? नहीं जानते पढ़े हो ना? नहीं पढ़े। क्यों नीचे आता है? कोई पढ़ा है? चीज ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों आता है? क्यों नीचे आता है? क्या नियम है जो नहीं जानता है? कोई कोई जानता है कि नहीं जानता है? क्यों क्यों नीचे आता है? हाँ कौन सा बल बोले? गुरुत्वाकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण बल के चलते वो क्या होता है? ऐसे ऊपर फेंकने से क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। मतलब ये एक नियम है ना? हम लोग भी खड़े हैं इसी कारण। हम लोग भी अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम लोग भी कहाँ होते? हवा में उड़ रहे होते है ना? एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इधर ये सब 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 चीज हवा में उड़ते रहता है। पेड़ भी नहीं तो ये क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल के चलते हुआ ना। गुरुत्वाकर्षण नियम है ना, जिसके चलते कोई चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो फिर क्या होता है? नीचे ही वापस आता है। हालेलुया। ठीक वैसे ही प्रेम एक नियम है। ईश्वरीय प्रेम एक नियम है। उसमें जब हम उसका पालन करते हैं है ना, उस प्रेम में जब हम चलते हैं ठीक है, तो हम जो है हमारा जो जीवन होता है वो ईश्वरीय जीवन होता है। आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? जैसे कोई सब चीज को हम फेंकते हैं है ना, वो ऊपर जाकर के फिर नीचे आ जाता है, ठीक वैसे ही प्रेम एक नियम है जिसमें हम हर समय हर कहीं पर भी हम जहां कहीं भी अगर हम इस प्रेम का इस्तेमाल करेंगे है ना, वहां पे वही रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट जीतने का। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि चर्च घर में अगर हम प्रेम देते हैं ठीक है, घर में प्रेम दे रहे हैं और वहां पे प्रेम काम किया, वैसे ही वही प्रेम अगर हम अपने गांव में देते हैं किसी को तो वहां भी वो कार्य करता है। हालेलुया। आया कि नहीं आया समझ में? आया? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।